ये सब कुछ ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इनके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार ये आप देख रहे हैं, मैं सब कुछ लेके आया हूँ। इसमें मेथी है, इसमें गाजर का जूस हम निकालते हैं, वो जो बचता है वो है बंद गोभी, और इसके अलावा फूल गोभी, ये गाजर के छिलके, ये सब कुछ अपने खरगोशों के लिए लेके आया हूँ। अभी ना डालते हैं क्योंकि अभी ये फिलहाल भूखे हैं, और सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन ऊपर पड़ा हुआ है। तो यार ये बाकी तोतों को भी खिलाएंगे, लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी बासी हुई पड़ी है ना, वो हम डाल देते हैं अपने रैबिट्स को। जैसे कि ये हो गया, थोड़े से ये हो गए, बाकी ये भी इनमें से कुछ डालते हैं। तो यार गाइस, मेरे डब ने पता क्या किया, मैंने आपको बताया था ना कि इसने अंडा दिया होगा, और ये भी मैंने आपको बताया था कि उस अंडे में एक छोटा सा होल था। मैंने कहा यार चल जाएगा, एक बार पहले भी हैच हो गया था, ये भी हैच हो जाएगा, लेकिन इसने पता क्या किया है, कल इसने अंडे को ना थोड़ा सा साइड से खोल दिया था, यानी कि इतना। मैंने कहा यार वैसे का वैसे खोला था, जैसे बच्चा निकलता है ना एक साइड से अंडा ऐसे खोलता है, तो इसने वैसे का वैसे खोला हुआ था। मैंने कहा शायद बच्चा निकलने आया हुआ है 5 दिन के अंदर, लेकिन आज इसने क्या किया, अंडा ही गायब कर दिया। अंडा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं अब इसने नीचे फेंक दिया, नीचे भी नहीं पड़ा हुआ, इस खाने में भी नहीं पड़ा हुआ, और हो सकता है नीचे फेंक दिया और कोयल खा गई हो, लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं इसने अंडा, मुझे लगता है ये खुराक करके ना खुद ब खुद अपना अंडा खुद पी गई है। हाँ यार, का सर अंजाम दिया तुमने, किया तुमने कि नहीं किया, ये मैं ऐसे ही तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ। पता नहीं यार, ये आप बता नहीं मुझे। यार मैं खुश था कि मेरे लोटिनो और फिशर के ना 5 अंडे हो गए हैं, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया हुआ था, यानी कि लोटिनो तो नहीं, इस फिशर ने ना 5 अंडे दिए हुए थे और इस बॉक्स में दिए हुए थे। कल मैंने देखा कि यार एक अंडा ना यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ से समझो इनकी एंट्रेंस है ना, इस साइड पर आया हुआ था। मैंने कहा यार अंडा गिर कर ना टूट जाएगा, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि ये अंडा फर्टाइल है और ये फिर जाया क्यों करना चाहते हैं इसे, लेकिन इसने अंडा ना वो फिर जाया नहीं करने दिया, उसी अंडे को ना ये दोबारा अंदर ले गए, क्योंकि अब नीचे भी नहीं गिरा हुआ और ये एंट्रेंस में भी नहीं पड़ा हुआ। मुझे लगता है ये अंडा को वो दोबारा अंदर ले गए, क्योंकि यार वो अंडा फर्टाइल था, उसमें से बच्चा निकलेगा। लेकिन यार इसमें हैचिंग टाइम होता है ना फिशर का, ये बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 28 दिन में जाकर बच्चा निकलता, समझे एक माह, लास्ट 28 28 दिन में जाकर बच्चा निकलता। तो आप यही है कि 28 दिन इसको अभी लगेंगे हेच करते हुए, लेकिन अंडा फर्टाइल था, उम्मीद है कि इसके भी बच्चे निकलेंगे और बॉक्स नंबर 3 के भी बच्चे निकलेंगे। बॉक्स नंबर 2 में यार पता नहीं क्या पड़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आता इसके। यार बॉक्स नंबर 2 का पेयर हमेशा अंदर ही रह जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, देखें वो बैठी हुई है फीमेल अंदर, लेकिन ये देखें ना, अब ये अपने अंडे दे तो दिए हैं, पता नहीं इसने कि नहीं दिया, अब नजर नहीं आता इसका। तो घर बहुत प्यारा बना हुआ है, अभी अल्लाह करे यार दुआ करो हेच करे उन अंडों को, जल्दी से ना बच्चे निकालें उसके अंडों में से। यार कल मैंने सफाई किया ना, मुझे एक बात की थोड़ा सा ना वो था कि यार हो सकता है सफाई के दौरान ना मुझे अपनी कोयल का अंडा मिल जाए, लेकिन मैं इधर देखा उधर देखा, मैंने हर जगह पर देखा लेकिन इसका अंडा कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कर रही है, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई मेल नहीं है या फीमेल नहीं है, क्योंकि यार मैं जब भी अंदर आता हूँ ना, मैं इसका हर साइड पर देखता हूँ कि कहीं पर शायद इसका अंडा हो, लेकिन कल भी ना मैंने यहाँ पर भी ढूंढता रह गया अंडा और यहाँ पर भी नहीं मिला। यार पानी इसको मिल रहा है, खुराक इसको मिल रही है, सॉफ्ट फूड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यार अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आज मैंने देखी है वो चीज़, ये देखें, ये आप भी देख रहे होंगे कि ये जगह ना इसने बनाई हुई है, ये देखें ये जगह इसने बनाई हुई है, बाकी जहाँ से भी इसने ऊपर कर दिया। मैंने ना पूरी कलोनी की सफाई की थी अपनी, लेकिन मैंने इसी जगह की सफाई नहीं की, इसको मैंने ना बराबर कर दिया था। मैंने कहा यार ये इसने जगह बनाई है, और देखे ये दोबारा इसने सेट कर दिया, और मुझे लगता है अब ये बहुत जल्द यहाँ पर अंडा दे देगी। लेकिन यार मेरे फिर इस घर का क्या होगा, ये वेस्ट हो गया ना, समझिए मैंने इतने प्यार इसमें पोर्शन बनाए थे, 1-2 पोर्शन, लेकिन ये आप काम नहीं देंगे। मैंने सोचा था कि इसने चला एक अंडा दिया कोई बात नहीं, एक अंडा दिया ना कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इसने वो एक अंडा भी ज़ाया कर दिया। यार अब इसका कुछ करना पड़ेगा, पहले मैं कह रहा था कि एक अंडा दिया इसका कुछ करना पड़ेगा, अब उसने वो एक अंडा भी ज़ाया कर दिया, अब फिर उससे भी बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा ना यार। यार अपने नेस्ट को सेट कर दिया, मुझे लगता है दोबारा अंडा देने वाला है, लेकिन ये तो मेल है ना, फीमेल तो ऐसे नीचे बैठी हुई है जैसे इसने कभी ज़िंदगी में कुछ करना ही ना हो। हैं क्या कर रहे हो यार, उसका मैंने नेस्ट नया बनाया था, तो और उसमें अंडा भी अब सही पड़ा हुआ है और अंडा भी फर्टाइल है। इसका नेस्ट भी अगर अब भी ये अंडा नहीं देता और इसका अंडा ख़राब हो जाता है, तो इसका नेस्ट भी हम चेंज कर देंगे फिर। इतना सारा कुछ था यार, मैंने कहा 5-6 दिन चलेगा, लेकिन ये तो इसने इतना सारा अभी मैंने डाला और ये एक दो मिनट के अंदर सब कुछ सफ़ा कर गए हैं। लगता है मुझे और भी इन्हें खिलाना पड़ेगा और फिर मेरे पास बहुत ही कम सामान बच जाएगा। इस टाइम आपको 4 फीमेल्स नज़र आ रही होंगी जो अपने घरों में से थोड़ी थोड़ी निकली बैठी हैं। यार इन सब के बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, इसके साथ वाले के भी बच्चे हैं, ये दोनों रेड आइज फीमेल्स हैं, नीचे वाली डोरियों में रेड आइज हैं, और ऊपर जो ये निकली बैठे हैं इसके भी बच्चे हैं। यार अब बस हमने एक बार जाना है अंदर और इनके बच्चों के ना, मैं तो कहता हूँ यार जिसमें एक बच्चा और जिसमें दो दो बच्चे हैं ना, वो सब एक ही डोली में कर दें, ताकि जो फीमेल्स बाकी है ना वो फारिग हो जाएं और फिर दोबारा अंडे देकर नए बच्चे निकालें। लेकिन यार ये मैथड का मुझे नहीं पता कि ये मैथड अब पास होगा भी सही कि फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक ये मैथड किया नहीं है किसी के साथ भी। बेटा आपकी धूम कहाँ गई है? यार इसकी दुम किसने उखाड़ लिया, देखें बेचारे की दुम ही नहीं है, छोटी सी है, उनकी देखें ना कितनी बड़ी बड़ी है। यार मैं ऐसा करता होता हूँ कि शाम के वक्त ना इनकी सॉफ्ट फूड निकाल देता होता हूँ, लेकिन कल मैंने इनकी सॉफ्ट फूड नहीं निकाली। मैंने कहा अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ ये खा लें, लेकिन अब इन्होंने ना ये देखा, अब इसको बिल्कुल साफ कर दिया, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अब हम इन्हें नए सॉफ्ट फूड डालेंगे। इस तरीके से ना हमारी पुरानी सॉफ्ट फूड ज़ाया नहीं होती। कल मैंने इन्हें गाजर डाली थी लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, इसे देखें फुल घूम रहे हैं। हमें चाहिए गाजर, खाइए चाहिए गाजर, खाओगे? ये लो ये लो ये लो ये लो, आओ गाजर खाओ, गाजर खाओ। बजरों ने सजाया तो किया हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम भी खा लो, आ जाओ खा लो, पूरी पकड़ ले यार, टाइम नहीं है मेरे पास। तो यार ये देखिए सारे खा लिया, अब हम ये अपने रैबिट को डाल के ना नाइस सॉफ्ट फूड डाल देते हैं, ताकि ये वो खाएं बड़े मज़े से। लो खा लो, जल्दी करो,
आज हम इन्हें ना गंदम कम डालेंगे क्योंकि हमारे पास आज रोटी है वो इन्हें डालेंगे। यार ये थोड़ी सी ना सख्त ही पड़ी है क्योंकि ये कल की रोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हें डाल देते हैं, ये खा लेंगे, जितनी खाएंगे खाएंगे, बाकी हमारे रैबिट्स तो हैं ही सही ना, वो खा लेंगे। बाकी थोड़े से ये पत्ते रख देते हैं इसमें, दो पत्ते बंद गोभी के, ये होती है इनकी साफ फ्रूट तैयार, इतनी मेहनत होती है। हाँ आज आना है, आना है किसी ने बाहर, आज किसी ने बाहर आना है, कोई आएगा बाहर आज? नहीं, मेरे ख्याल में आज इनका मूड नहीं है बाहर आने को, वरना यही वाला मेल आता होता है मेरे पास, लेकिन आज ये भी नहीं आएगा क्योंकि अभी ये ऊपर मसरूफ है। तो इनको डाल देते हैं ताकि ये खाना स्टार्ट कर दें। यार पहले ना इनको मैं साफ फूड नहीं डालता था, मैंने कहा यार ये अभी जवान है, इनको नहीं चाहिए साफ फूड। तो क्या हुआ, एक दिन भाई ने इन्हें साफ फूड डाली और इन्होंने खाई नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा यार ये साफ फूड नहीं खाते, फिर मैंने एक दो दिन नहीं दी, फिर मैंने कहा यार इस तरह तो ये कमजोर हो जाएंगे। फिर मैंने अगले दिन इन्हें साफ फूड दिया, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई। फिर मैंने अगले दिन दिया, अगले दिन दिया, ऐसे दो से तीन दिन दिया साफ फूड। अब इनके क्या हुआ, पहले ये नहीं खाते थे ना, अब इनके आहिस्ता आहिस्ता करके आदत इतनी बन गई है कि कल जो मैंने इन्हें साफ फूड रखी है ना, इन्होंने फौरन ही खाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं अगले टाइम आया हूँ ना, फिर ऐसे चट हुई पड़ी थी ना साफ फूड। अब मैंने ये बना लिया कि यार अपने भजीज को भी साफ फूड देने, ये देखिए कल मैंने इसे थोड़ी सी कम दी थी साफ फूड, इन्होंने खा ली थी। और आज हम इतनी देते हैं, इसके अलावा रोटी का भी एक निवाला रखते हैं इसमें, जो कुछ भी अब इन्हें दो ना ये खा लेते हैं। यार गाइस ये हमने बना लिया अपने भजीज की साफ फूड, भजीज की नहीं, भजीज के बच्चों की, और ये इन्हें खिलाते हैं। अभी देखना आप ये कैसे टूट पड़ेंगे इस पर। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, साफ फूड आ गई, साफ फूड आ गई, जल्दी आओ, आ जाओ। डरते बहुत हैं यार, इतने तो बड़े भजीज नहीं डरते मेरे से, वो देखे कैसे टूटे पड़े हैं अपने साफ फूड पर, लेकिन ये डरते हैं। लेकिन यार एक बात है, अगर आप कलोनी बना देना, आप कलोनी में खुराक बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन में खाते हैं खुराक। अगर आप जैसे एक पैर बैठा हुआ है ना, एक पैर दो पैर, उनको आप खुराक पड़े हुए या पानी पड़ा हुआ है वो नहीं खाते, लेकिन जैसे ये कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन में ये ऐसे खाते हैं ना एक दूसरे के कंपटीशन में, जो मिनट में फना हो जाती है जो भी चीज़ होती है। घंटा हो गया तुम्हारे से एक शलजम नहीं खत्म हुआ है। अच्छा हाँ, तुम ये खाने में मसरूफ थे ना, बस अभी शलजम खाओ फिर तुम्हें कुछ और मिलेगा। रॉ पैरेट को मैं टमाटर 50 रुपए किलो। रॉ पैरेट को यार मैं पहले साफ फूड डालता रह गया था, लेकिन ना मैंने ये जो रोटी है ना ये नहीं डालता था इन्हें, लेकिन अब मैंने ये देखा कि यार ये रोटी सख्त भी हो ना ये खाते हैं। हैं 60 रुपए किलो, 100 रुपए का 2 किलो। अच्छा 10 रुपए यार दे रहा है, यार लेना हो तो ले लीजिएगा इसे। बड़ी जोर से बोल रहा है बेचारा, ताकि ये मैं व्लॉग ना बना सकूँ, इसे यही है कि मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ। अच्छा जी आओ खा लो, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, तुमने बाहर नहीं आना, तुम चलो चलो बाहर बाहर बाहर, आगे हो ना, आखिर आगे हो ना, आखिर आ गया ना, अब तुम नहीं आना, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ यार, ये जो अब जाओगे अंदर, अब खुद जाओगे तुम, तुमने बाहर नहीं आना यार, ये तुम काम गलत करते हो, जो बाहर जिस दिन बुलाओ ना उस दिन आया करो, ठीक है ना, अदरवाइज तुम आओगे ना फिर तुम्हारे साथ बड़ी बुरी करनी है मैंने। ओ यार रोटी उन्हें भी खिलाओ यार, आप लेके चले गए रोटी, वो क्या खाएंगे बेचारे, वो देखो नीचे से वो भी लगा पड़े, सारे शुरू हुए पड़े हैं। यार मैं मुर्गियों का ना पहले बहुत कम खुराक डालता था, अब मैंने देखा कि यार मुर्गियों का मैं जितनी ज़्यादा खुराक डालता हूँ ना, जितने यानी कि ज़्यादा मोटे भी होते जा रहे हैं और ये सुस्त होते जा रहे हैं। अब फिर मैंने वैसा कर दिया जैसे मैं इनको पहले खुराक डालता था ना, यानी कि एक दो दफ़ा डाली दिन में और बस, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। मैं कल इनमें इतनी सारी खुराक पड़ी भी हुई थी और इसके अलावा ये इतने सुस्त बैठा रहे थे ना, जैसे अब ये बेचारे अभी पूरे होने वाले हैं। अब इसमें मैंने गंदम भी डाल लिए, इसके अलावा कुछ मेथी के छिलके भी डाल लिया, और जो सबसे मेन चीज़ है ना वो इसमें रोटी के मैंने टुकड़े भी डाल लिया, जी अब हम इन्हें खिलाएंगे। आ जाओ जी, शाबाश, मेथी भी खानी है, ठीक है ना, तुमने आज अंडा दिया हुआ तुमने आज, है अंडा कहाँ है इसका, अंडा इसने नहीं दिया हुआ आज, चलो कोई बात नहीं, शाम को दे देना, ठीक है ना, मुझे भूख लगी है, खाओ खाओ खाओ, रात के खाओ, जो बच जाए ना शाम को खाना, और जो बच जाए ना उसे रात को ख़त्म कर देना, और सुबह तुम थोड़ी देर भूखे रहना, सही है ना, थोड़ा सा पेट को अपने रिसेस भी दिया करो, और मुझे अंडे भी। क्या यार मैं इन्हें जितना कुछ डालता हूँ खा जाते हैं फौरन, अभी देखना इतना कुछ, ये क्या खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हो, अच्छा शलजम पे लगे पड़े हैं, शलजम पे लगे पड़े, जहाँ क्यों ले आए, वहीं पर सही नहीं बैठे थे तुम। तकरीबन सब ने साफ फूड खा लिया और ये अपने बच्चों को खिलाने गए बैठे हैं, ये देखे ये मेल आया बैठा अपने बच्चों को खिलाने, और उधर से फीमेल्स बाहर निकली हुई हैं, हर कोई अपने मेल को खिला रहा है, वो देखे वो अपनी फीमेल्स को खिला रहे हैं, और कुछ फीमेल्स बाहर खुद आई बैठी हैं ताकि हमें खिलाओ। और ये हमारा जी चिक बजीज, चिक बजी चिक, इसे भी हमने पकड़ के अलग करना है, लेकिन ये अभी थोड़ी सी फीड ले रहा है अपने माँ बाप, देखें वो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यार खिलाता हुआ, देखें ये देखें ये, अभी आप देखिएगा इसे अंदर से लेके आएगा मुंह अपने जिस्म में से, और ये गुड़ज गुड़ज, और ये इसकी फीमेल, यार इसके 3 बच्चे रहे इसलिए इसको बहुत ज़्यादा खिलाना पड़ता है। चलो माशाल्लाह यार देखो यार सीन चेक करो यार, ये ऐसे कभी पूरा साल ऐसा नहीं खिलाता, जब इसके बच्चे होते हैं तब सिर्फ ये खिलाते हैं, क्योंकि उसने जाके फिर अपने आगे बच्चों को खिला देना होता है। तो यार गाइस ये होता है हमारा डेली रूटीन का वर्क, यानी कि दोपहर को ये करना है, इसे साफ फूड डालनी है, इसे साफ फूड डालनी है, उसे खुराक डालनी है, इन्हें खरगोशों को डालना होता है, बहुत कुछ यानी कि छोटा छोटा काम होता है। मैंने आज से आज जो कुछ कर रहा था समझे वही आपसे सिर्फ शेयर किया है जो यानी कि मैंने काम करना होता है। तो यार कैसा लगा मेरा व्लॉग, डेली रूटीन संडे बात था, डेली रूटीन नहीं सॉरी ये था आफ्टरनून व्लॉग। तो ठीक है आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।